और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। हाथरस हादसे पर पहली बार बोले बाबा साकार हरि। हादसे में जान गंवाने वालों से संवेदना, ये कहना है बाबा का। मैं बहुत पहले समागम से निकल चुका था और वकील एपी सिंह ने जारी किया है बयान। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे हादसे के बाद में अब पहली बार बाबा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले इस कार्यक्रम से निकल गया था और वकील एपी सिंह ने यह बयान जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, कल जो तस्वीरें सामने आई उन तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि जब बाबा का काफिला वहां से गुजर रहा था उसी के पीछे भीड़ भागी और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद में ये बड़ा हादसा हुआ। लेकिन अब बाबा का स्टेटमेंट सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत पहले ही निकल गया था। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से हाथरस की जो घटना हुई उस घटना को लेकर सीधे तौर पर जो उनके वकील अभी एपी सिंह हैं उनके माध्यम से जो घटना के खुद जो बाबा हैं नारायण शंकर हरि उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है और उन्होंने कंडोलेंस व्यक्त किया है और ये कहा है कि उन्हें बहुत दुख है और वो बहुत पहले ही निकल गए थे, लेकिन जो घायल हुए हैं या जो मृतक हैं उनके परिवार को उन्होंने प्रभु से ये प्रार्थना की है कि उन्हें कंडोलेंस दिया जाए। हालांकि एपी सिंह के द्वारा ये स्टेटमेंट मीडिया में जारी किया गया है, ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या जो हरिशंकर नारायण जो गुरु जी हैं वो एपी सिंह के ही माध्यम से क्या ये मैसेज भिजवा रहे हैं या नहीं, लेकिन अभी तक मीडिया में जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक ये पहला स्टेटमेंट हाथरस मामले में जो मुख्य जारी है उनके द्वारा भेजा गया है। जी लेकिन सुशील, जो स्टेटमेंट जारी किया है इसके अलावा क्या कुछ और बड़ी बातें भी कही गई हैं? आज देखिए जो स्टेटमेंट जारी अभी एपी सिंह के द्वारा आया है उसमें सीधे तौर पर कंडोलेंस जारी किया गया है नारायण शंकर हरि के द्वारा। अभी कोई और अतिरिक्त स्टेटमेंट नहीं आया है। लगातार हम एपी सिंह से संपर्क कर रहे हैं कि क्या वो मीडिया से बातचीत करेंगे, क्या बाबा जांच में सहयोग कर रहे हैं, अगर बाबा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वो अभी तक हैं कहाँ, इसकी पूरी जानकारी क्या है। तो ये जो भी जानकारी होगी वो भविष्य में अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन अभी एपी सिंह के द्वारा जो ताजा स्टेटमेंट है वो यही है कि उन्होंने कंडोलेंस व्यक्त किया है। बाकी आगे की जानकारी एपी सिंह से जब जुड़ेंगे। लेकिन सुशील, बहुत लोगों के मन में सवाल है कि बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है, इसको लेकर क्या स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि आगे जाके क्या बाबा के खिलाफ एफआईआर हो सकती है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर इस पूरे मामले में जो भी इस मामले में कसूरवार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से भविष्य में अगर लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को कि बाबा के ऊपर आरोप बनते हैं और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बाबा है उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। लेकिन अभी चूंकि इस मामले में जांच जो है वो इनिशियल स्टेज पे है तो ऐसे में कह पाना कि यूपी सरकार किस तरह आगे बढ़ रही है एफआईआर को लेकर वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस लगातार चल रही है, बाबा की तलाश चल रही है और ऐसे में बाबा का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित तमाम लोगों को कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा सवाल कल से ही चल रहा था कि आखिर बाबा जो अभी तक फरार हैं कहाँ नहीं है। उनके द्वारा एपी सिंह के माध्यम से जो स्टेटमेंट आया है उसमें कंडोलेंस उन्होंने जरूर जारी किया। वाकई में सुशील, अब सवाल कई सारे हैं कि जो बाबा कल से गायब था अब उस बाबा की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया, बयान जारी किया गया कि मैं तो बहुत पहले ही समागम से निकल गया था। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।